नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से हम किस तरह से ऑनलाइन टिकट बुक करवा पाते हैं और किस तरह से उसका जो पेमेंट है वो हम भीम UPI ऐप के माध्यम से कर पाते हैं। तो सबसे पहले मैंने ऐप में लॉगिन में हो चुका हूं और होने के बाद में सबसे पहले मुझे अपना जो सोर्स स्टेशन है और डेस्टिनेशन स्टेशन है उसकी एंट्रीज भरनी है, दिनांक उसकी मेरे को चूज़ करनी है। तो मैं कल दिनांक के लिए ट्रेन सबसे पहले मैं फाइंड कर लेता हूं और कल के लिए जो अवेलेबल ट्रेन है उसके अंदर मैं अपनी वैकेंसी देखता हूं कि कौन सी क्लास में खाली है। थर्ड एसी भरा हुआ है, स्लीपर क्लास में चेक कर लिया जाता है, ये भी भरा हुआ है, तत्काल में इसको चेक कर लेते हैं। तो ये जो अवेलेबल सीट है अगर हमें इसको बुक करना है तो सबसे पहले बुक नाउ पे हम उसको क्लिक करते हैं। उसके बाद में फेयर और ट्रेन की सारी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में अवेलेबल है, डिपार्चर टाइम, अराइवल टाइम, कहाँ से बोर्डिंग करना है। तो ऐड पैसेंजर में क्लिक करके हम पैसेंजर की डिटेल ऐड करते हैं। तो मैं अपनी एंट्रीज इसमें कर देता हूँ, इसमें सेक्स भर दिया है मेल और बर्थ टाइप लोअर सेलेक्ट कर दिया है और इसको डन कर दिया है। उसके बाद में हमारे पास में जो मोबाइल नंबर था वो कंफर्मेशन के लिए, SMS वगैरह के लिए इसमें पहले से फीड किया जाता है, वो कर दिया है। नेक्स्ट इसके बाद में जो कैप्चा कोड है वो हमें भरना होगा, वो कैप्चा कोड भी हम भर देते हैं और प्रोसीड टू पेमेंट। अब हमें ये जो नया जो विकल्प था जो अभी रिसेंटली ही IRCTC ने अपने रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से जोड़ा है वो भीम UPI, वो हमारा द्वितीय विकल्प के अंदर जो ये तृतीय ऑप्शन है इसमें भीम UPI क्रेडिट एंड डेबिट कार्ड एंड नेट बैंकिंग। तो जो राजौर पे करके जो ऑप्शन विकल्प है इसको हमें सेलेक्ट करना होगा और उसके बाद में पे ₹415। साथियों, ये जो नया विकल्प है इसके साथ साथ में ये तो दोनों ऑनलाइन के मेथड थे, IRCTC के जो वेबसाइट था उसके ऊपर भी भीम अभी इंटीग्रेटेड है। साथ में IRCTC का ये जो हमारा ऐप है उसमें भी अब नया ये विकल्प जोड़ दिया है और उसके साथ में ऑफलाइन जो मोड है, ऑफलाइन मोड के अंदर भी हम ये विकल्प जो हम विंडो से टिकट प्राप्त करते हैं उसमें भी हम भीम का जो हमारा वर्चुअल पेमेंट एड्रेस है वो भर करके हम टिकट प्राप्त कर सकते हैं। तो टिकट के जो तीनों विकल्प हैं, तीनों तरीके हैं, उसमें भीम UPI अब हम काम में ले सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि भीम UPI हम यहाँ पे किस तरह से काम में लेंगे। तो हमारा जो तीसरा विकल्प है भीम UPI, इसको सेलेक्ट करते हैं। अब वर्चुअल पेमेंट एड्रेस में हम वह विकल्प डालेंगे। देखो, मैंने तीन अपने विकल्प इसमें मैंने आजमा करके देखे हुए हैं। ये जो डायरेक्ट भीम ऐप का था ER Prashant Joshi@UPI, ये अगर आप ऐप ये VPI एड्रेस अगर काम में लेंगे तो डायरेक्ट हमारा भीम ऐप के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी और उसके माध्यम से हम पेमेंट कर पाएंगे। दूसरा जो विकल्प था @PayTM, तो PayTM में भी अब भीम UPI है वो इंटीग्रेट हो चुका है तो उसके ऊपर उस ऐप के अंदर रिक्वेस्ट जाएगी और वहां से पेमेंट होगा। और तीसरा जो भीम SBI है, SBI का जो भीम ऐप है उसके अंदर उसके लिए जो VPI एड्रेस मेरा दे रखा है तो इस पर अगर मैं क्लिक करके हम अगर रिक्वेस्ट जनरेट करेंगे तो उस हमारे ऐप के अंदर ये रिक्वेस्ट जाएगी। तो हम अपना इच्छित कोई भी जो VPI एड्रेस हमने जिस भी बैंक के ऐप में बना रखा है उसका दे सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली वहां पर विकल्प चला जाएगा। क्योंकि अभी PayTM में ये विकल्प में कुछ कैशबैक की फैसिलिटी भी है तो हम उसको देखने की कोशिश करते हैं। और दूसरा विकल्प मैं इसमें सेलेक्ट करता हूँ और उसके बाद में Pay 415 पे क्लिक करते हैं। तो ये हमारे पास में एक मैसेज आ गया है, इस मैसेज को हम कंटिन्यू कर देते हैं। हमारे पास में कुछ नोटिफिकेशन आया है, ये हमारे पास में नोटिफिकेशन आ चुका है कि रेजर पे हैज ए रिक्वेस्टेड ₹426.80 From you। तो अब ये हम नोटिफिकेशन हमारे PayTM ऐप में जाकर के भी चेक कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो भीम UPI
हमारा विकल्प दे रखा है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पर जाने के बाद में यूपीआई रिक्वेस्ट, तो ये जो यूपीआई रिक्वेस्ट अभी हमने जनरेट की है वो यहाँ पर सामने हमारे सामने दिखाई दे रही है। तो ये 3/27 तक ये वैलिड रहेगी। तो यहाँ पे अगर पे करना है तो यहाँ पे जाकर के पे करके हम उसको सेलेक्ट कर सकते हैं, और अगर हमें डिक्लाइन करना हो तो हम यहाँ से डिक्लाइन कर सकते हैं। हम दूसरा विकल्प सेलेक्ट चूज करने के लिए इसको एक बार डिक्लाइन कर देते हैं। पेमेंट फेल्ड हो चुका है। रिफ्रेश कैप्चा DHAQH, प्रोसीड टू पेमेंट। अगर यही काम अगर हमें हमारे किसी दूसरे ऐप के थ्रू देखना हो, और मेरा जो पर्सनल फेवरेट है वो है भीम UPI, तो भीम UPI इस UPI VPA जो एड्रेस है उसको मैं भर देता हूँ, और दोबारा यही काम हम करने की कोशिश करते हैं। वापस इसको कंटिन्यू कर देता हूँ। भारत इंटरफेस फॉर मनी, यू हैव रिसीव्ड ए कलेक्ट रिक्वेस्ट, रोजर पे हैज रिक्वेस्टेड ₹426 फ्रॉम यू। तो ये दोबारा हमारे पास में ये मैसेज भी आ चुका है, इसको हम पुनः चाहें तो हम देख सकते हैं। तो जैसा कि ये बेल आइकन में भी शो कर रहा है, नोटिफिकेशन में और ट्रांजैक्शंस में भी 1 pending आ रहा है, अर्थात हमने जो रिक्वेस्ट हमारे IRCTC रेल कनेक्ट के माध्यम से भेजी थी वो रिक्वेस्ट यहाँ पर आ गई है। अगर हमें पेमेंट करना हो तो हम यहाँ से पेमेंट कर सकते हैं। क्योंकि ये वीडियो एजुकेशनल पर्पज से मैं बना रहा हूँ, इसलिए अभी मैं इसको डिक्लाइन कर देता हूँ। धन्यवाद। तो इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से हम IRCTC के रेल कनेक्ट ऐप के माध्यम से हम हमारी जो टिकट है वो बनवा सकते हैं। और अभी की जो कंप्यूटिंग है वो मोबाइल कंप्यूटिंग है, मैक्सिमम जो वर्क हो रहा है वो मोबाइल से ही हो रहा है, तो ये सबसे सशक्त माध्यम है रेलवे की टिकट बुक करने का। और इसमें भी आने वाले दिनों में या अभी के वर्तमान दिनों में कह दें भीम के जो ट्रांजेक्शन्स हैं बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, और गवर्नमेंट भी उसे बढ़ावा दे रही है, इसलिए ये बहुत ही एक अच्छा माध्यम है पेमेंट करने का। धन्यवाद।